वेलकम गाइस, मैं पवन, जेपीएस एंटरप्राइजेस में आपका एक बार स्वागत है। और आज जो अपना बिल्ट है, ये विदाउट ग्राफिक कार्ड एक बिल्ट है जिसके अंदर वर्किंग क्या होगी, इनका एडोब से रिलेटेड थोड़ा बहुत वर्क रहेगा, ईडीएस से रिलेटेड इनका सॉफ्टवेयर है। ईडीएस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि सीपीयू आपको मजबूत चाहिए होता है, जीपीयू की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 2 GB ग्राफिक कार्ड से भी आप काफी हद तक काम चला सकते हैं, प्रोसेसर आपका इफिशियंट होना चाहिए। तो सूरज से ही पूछ लेते हैं कि ये क्या क्या वर्किंग करना चाहते हैं। सूरज, पहले तो कहाँ से हो ये बताओ? जगदीशपुर से हूँ, अमेठी डिस्ट्रिक्ट लगता है। जगदीशपुर अमेठी, ये तुम्हारा सुल्तानपुर वाली रोड से पड़ जाएगा। वहीं पे। तो यहाँ पे आना कैसे हुआ? आना ऐसे ही हुआ, मैं सर्च कर रहा था ऐसे ही कि एक दो बार इधर मार्केट में आपके पास भी एक बार मैंने काम करवा चुका हूँ। अच्छा, आपके पास काम करवाया था? जी जी जी, एक सीपीयू ले जा चुका हूँ। तो फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखी तो बहुत दिन से आपको फॉलो कर रहा था मैं। तो अभी ये जो सिस्टम है इस पे आप वर्किंग क्या कर रहे होंगे? वर्किंग यही वीडियो मिक्सिंग है, वेडिंग की। वीडियो मिक्सिंग में मतलब ये जो वीडियो वगैरह की शादी की जो वीडियोस वगैरह रहती है उनको ही एडिट करने का काम करना है। और एल्बम डिजाइनिंग, ये ईडीएस सॉफ्टवेयर से आपके सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। लेकिन आपके एरिया तो बहुत डस्टी होगा, तो ये वाइट बेल्ट जैसे कोशिश है तो ये दिक्कत भरा नहीं रहेगा? इतना जल्दी गंदा होगा, पीला पड़ेगा, तो ये सब ध्यान नहीं आया कि चलो इसे ब्लैक ही रखते हैं? नहीं, गंदा आया तो लेकिन थोड़ा सा यूनिक और लुक के लिए। वहाँ पे तुम्हारा स्टूडियो है कि अपना नॉर्मल स्टूडियो? स्टूडियो अभी खुला नहीं है। अच्छा। मतलब एक अच्छे अभी वर्क फ्रॉम होम है कि वर्क फ्रॉम होम ही है? वर्क फ्रॉम होम है ना जी। इसके बारे में प्रोडक्ट है, जैसे मैक्सिमम टाइम पे मैं 13500 या 14500 जो यूज करता हूँ वो तो ट्रेडर को सजेस्ट करता हूँ जी। तो तुम अपने लिए कैसे इसका यूटिलाइजेशन देख रहे हो? अब मैंने इसको जब देखा, खूब इस पे होमवर्क किया तो देखा कोर एंड थ्रेड्स वगैरह ये सब चीजें देखी तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही है प्रोसेसर और दूसरे पे नहीं जाना चाहते थे। मेन कुल मिला के चीज यही है कि ज्यादा से ज्यादा कोर थ्रेड्स पे, जैसे मैं बता रहा था कि जो अपना ये सॉफ्टवेयर है EDS, ये मेनली सीपीयू के कोर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसमें प्रोसेसर पे जितना ज्यादा ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हो उतना बेटर है। इन्होंने भी जो प्रोसेसर सेलेक्ट किया, पहले 13500 पे जा रहे थे, 13500 सीरीज को डिसकंटिन्यू किया गया है, अब उसकी जगह 14500 मिलेगा। 14500 वाली सीरीज में भी 14 कोर है जो इनकी वर्किंग के लिए बहुत है। नहीं तो आपको मैं बताऊं, EDS वाले बंदों को मैंने देखा है 2 GB ग्राफिक कार्ड, और उनको सबसे ज्यादा मार्केट में जो लोग सेल करते हैं वो 5वीं 6वीं जनरेशन पे पुराने CPUs को यूज करते हुए उसके मदरबोर्ड रेडी करके 20-25 हज़ार रुपए में वो रेडी करके दे देते हैं, इस पे EDS चलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, और वो काम भी करता है। लेकिन जितने भी प्रोफेशनल्स लोग हैं जो आगे अपने इस वर्क को और इंक्रीज करना चाहते हैं और प्रिपरेशन ऐसी लेके चलते हैं, उनके लिए सबसे जरूरी पार्ट है कि आप अपने प्रोसेसर का कोर पे सबसे ज़्यादा वर्क करिए। i5, i7, i9 ये सबसे सुटेबल प्रोसेसर है वर्किंग के अकॉर्डिंग। अभी आपका बजट अलाउड ना करे ग्राफिक कार्ड मत यूज़ करिए, लेकिन प्रोसेसर इसमें अच्छा यूज़ करिए अगर एडिटिंग से रिलेटेड आपका वर्क है, वो भी EDS या मैरिज से रिलेटेड। तो हम लोगों ने इसी सेंस में जो है जब बातचीत हुई थी तो सारी चीज़ें डिसाइड हो रही थी, तो ये हुआ 13500 में जाना है, फिर ये नहीं 13500 नहीं जाना है। अब 13500 क्लोज, अब 14500 आ गया है, जो 14 कोर का प्रोसेसर है इसको यूज़ करेंगे। इनकी थीम क्या है, पूरी की पूरी वाइट है, वाइट पे ये काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं। सिर्फ एक स्टॉक फैन ही इनका ब्लैक रहेगा, उसके अलावा सब कुछ इनका ब्लैक वाइट कॉम्बिनेशन को लेते हुए रहेगा। आपको रैम दिखाता हूँ, ये अपनी T4 डेल्टा की रैम है, 6000 MHz पर है, इसको भी इस बिल्ट में हम लोग यूज करेंगे, ये भी वाइट है। 20760 मैक्स सीरीज का मोटार वाईफाई जो मदरबोर्ड आता है ये वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन पे है, तो ये भी काफी हद तक वाइट कॉम्बिनेशन को लेते हुए वर्क हुआ है। इसमें 1 TB की Gen 4 NVMe यूज की गई है, WD की है, लेकिन ये Gen 4 में किस तरीके से काउंट होती है, इसकी 4350 MB/s रीड राइट स्पीड है, इसलिए Gen 4 में काउंट हो जाती है। उसके अलावा Gen 4 की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 7300 MB/s रहती है, उसके प्राइस अप रहते हैं। तो बजट, प्रोडक्ट, सभी चीज़ों को इस तरीके से डिसाइड किया गया है कि भविष्य में और चीज़ों को इंक्रीज किया जा सके। स्टॉक फैन जो था अपना कूलर मास्टर का हाइपर 212 सीरीज का है, जिसको इस बिल्ट में यूज़ कर लिया है। SMPS 650 वाट का SMPS यूज़ किया गया है कि आगे कोई भी ग्राफिक कार्ड जैसे 3050, 1650, 3060, साथ में 4060, 4060 Ti, इस तरीके के जितने वर्जन है उनके लिए पावर सप्लाई सफिशेंट है, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस बिल्ट को हम लोग 1x1 ओपन करते हैं, देखते हैं लुक और फीचर्स किस तरीके से है। मैं MSI के मैक्सिमम बोर्ड नहीं प्रेफर करता हूँ,
सिर्फ अभी मैंने इस बार जो है इसके कहने पे कि भैया मैंने ये मदरबोर्ड देखा है, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैग ये वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन में है, अच्छा लग रहा है, वाईफाई 2 के साथ है, तो आप ये मंगा दो। तो इसके रिक्वायरमेंट पे ये इसे पहले मंगा के रख लिया गया था और कल इसका आने का था लेकिन कल नहीं आना हुआ। तो ये हुआ कि बसंत पंचमी का आज का दिन है 14 फरवरी, तो आज के दिन ही इसे बिल्ट को रेडी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज इसकी प्रिपरेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं वन बाई वन अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये प्रोसेसर जो अपना i5 14500 यूज़ कर रहे हैं, इसको यूज़ करने का रीज़न ये रहा 13500 सीरीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया है इंटेल ने, मिलेगी जिसके पास पहले का स्टॉक पड़ा होगा, नहीं तो नए वे में अब 14500 मिलेगा, 13500 सीरीज़ नहीं मिलेगी। इस प्रोसेसर को हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं 24 MB कैश मेमोरी, LG 1700 सॉकेट्स, इंटेल की एक बुकलेट इसमें मिल जाती है, साथ में अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्रोसेसर अपना जो है एक स्टॉक फैन भी मिलता है जिसमें यहाँ पे आपका पेस्ट लगा होता है, अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसकी TDP हाई होने के कारण से मैक्सिमम टाइम पे प्रेफर किया जाता है कि आप स्टॉक फैन कुछ ज़्यादा RPMs के यूज़ करिए या फिर लिक्विड कूलर यूज़ करिए। ये अपना प्रोसेसर निकल आया है 14500 जो फर्स्ट टाइम अपने काउंटर पर यूज़ होगा। साथ में अब इसमें दूसरा अपना प्रोडक्ट है MSI का B760 मोटार वाईफाई 2। मोटार वाईफाई 2 पहले ये लोग सील नहीं देते थे, अब धीमे धीमे बहुत सारे कमेंट इस तरीके के पड़े तो अब ये लोग भी सील देने लग गए हैं, नहीं तो यहाँ पे सील नहीं देते थे, अंदर मदरबोर्ड पे सील देते थे। क्या चीज़ इसके अंदर मिल जा रही है, वाईफाई एंटीना है जिसको काफ़ी सेफली इन्होंने अपने मदरबोर्ड के अंदर रखा है। ये अपना मदरबोर्ड है जो इस बिल्ट में यूज़ किया जाना है। इसमें सील आपको बैक साइड में मिलती है, पहले डिब्बे पे सील नहीं देते थे और अंदर ही ये सील मिलती थी। अभी इसका लुक देख लेते हैं किस तरीके का है। 4 रैम स्लॉट आपको मिल जा रहे हैं, साथ में USB 3.0 का ऑप्शन है, 4 SATA पोर्ट्स मिल जा रहे हैं, ARGB, RGB, CPU फैन हेडर, यहाँ पे एक ARGB हेडर यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो कुल मिला के 2 ARGB हेडर मिल जा रहे हैं। और CPU फैंस के लिए अगर कहा जाए तो 1, 2, 3, 4 CPU फैन के लिए भी हेडर मिल रहे हैं, मदरबोर्ड काफ़ी इफिशियंट है। 1, 2, 3 M.2 NVMe का ऑप्शन मिल जा रहा है, 1 PCI Express स्लॉट का ऑप्शन है, साथ में मदरबोर्ड काफ़ी इफिशियंट है। अगर इसमें कहा जाए ना कि 550 वाट सप्लाई चलेगी तो बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे 8 पिन के जो कनेक्टर दिए हुए हैं ये आपको थर्मलटेक के 750 वाट में भी नहीं मिलते हैं, और एनटेक या अपना कोरचेयर में भी ये 8-8 पिन के नहीं मिलते हैं। कूलर मास्टर या कोरचेयर या एनटेक इन सभी में ये 650 वाट से ये सेगमेंट आपको मिलना स्टार्ट होगा कि 8-8 पिन के ये कनेक्टर आपको मिलेंगे। फ्रंट इन पे देख लेते हैं कौन कौन से पोर्ट्स इसमें अवेलेबल है, वाईफाई, ब्लूटूथ, SPDIF, टाइप सी, HDMI, DP, USB पोर्ट्स, सभी कुछ वो ऑप्शन जो चाहिए होते हैं मदरबोर्ड पे अवेलेबल हैं। अगर इनकी प्राइस रेंज में देखा जाए तो 19,000 रुपये के अंदर ये आने वाला जो बोर्ड है काफ़ी इफिशेंट है, लेकिन बस एक ही रीज़न रहता है जो मैं गीगाबाइट को सबसे ज़्यादा प्रेफर कर जाता था कि वहाँ पे प्राइस रेंज जो था वो 15,400 होता था, यहाँ पे ये करीब 18,600 18,800 ऐसे कुछ इसकी प्राइसिंग है नेट, तो मैंने मंगाया है, बिल आके रखा है इसलिए एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये मदरबोर्ड बस इसी जगह पे थोड़ा सा अप होता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी देखने के बाद ये भी समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट भी अच्छा है, क्योंकि ये पावर सप्लाई अगर यहाँ पे 8-8 पिन की MOSFET सप्लाई दे रहे हैं तो ये जितने MOSFET हैं इनको सपोर्टिंग रोल ज़्यादा अच्छा अदा करेंगे। साथ में 3 M.2 NVMe के भी ऑप्शन आ गए, यहाँ पे टाइप सी कनेक्टिविटी भी दे रहे हैं, और वाइट और ब्लैक थीम को जिस तरीके से हम लोग लेके चल रहे थे उसके लिए ये बोर्ड सबसे प्रॉपर रहेगा। अब इसमें प्रोसेसर का प्लेसमेंट कर लेते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर आजकल जो हैं वो इसमें प्रोसेसर को निकालने और लगाने में जो होता है एक ग्लव्स भी यूज़ करते हैं कि स्टैटिकल चार्ज हाथ से CPU के अंदर ना जाए जिसके कारण प्रोसेसर ख़राब ना होने पाए। तो भाई अब इतना टाइम हो चुका है कि अब वो स्टैटिकल चार्ज जो है ना अब जाता ही नहीं है अंदर, चोचले थे वो USA वगैरह के, अगर वो यहाँ फॉलो किए जाते तो अब तक नदियाँ डूब चुकी होती और जो गांव-गांव तक सिस्टम पहुंच रहे हैं वो कभी ज़िंदगी में पहुंचते नहीं, क्योंकि उसके लिए जितनी प्रिकॉशन पहले होती थी कि जूता उतारो मोजा उतारो फिर एंटी स्टैटिक
मैट बिछाओ, फिर उसके बाद कंप्यूटर लगाओ, अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए, न्यूट्रल प्रॉपर होना चाहिए। आज ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, और अगर ये सब चीज़ें होती तो गांव-गांव तक कंप्यूटर नहीं होता। ये हो गया अपना प्रोसेसर का प्लेसमेंट। स्टॉक फैन हम नहीं यूज़ करेंगे, इसमें स्टॉक फैन जो यूज़ किया जाएगा हाइपर 212 स्पेक्ट्रम V3 है, ये कूलर मास्टर का है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें सभी तरीके के सॉकेट्स दे दिए जाते हैं, LGA 1700, 1155, 1150। ये देखिए सारे सॉकेट्स दिए हुए हैं। मॉइस्चराइजर दूर करने के लिए इन्होंने ये कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं, साथ में एक फैन आपको मिल जाएगा, हीट शील्ड मिलती है इस तरीके से, और पेच और कनेक्टर्स और बुकलेट्स, ये सब कुछ पढ़ के आपको किस तरीके से प्लेस करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको थोड़ी बहुत लर्निंग की आदत है, धीमे धीमे उसे रीड करते हुए आप खुद भी प्लेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरी ज़रूरत पड़े, अगर रीडिंग की अच्छी आदत हो तो देख देख के चीज़ों को समझते हुए, यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट होंगे जो इसके अनबॉक्सिंग और कैसे लगाया जाए वो सारे फीचर्स दिखाते हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ें अपने आप भी करनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी इसको प्लेस नहीं करते हैं और साथ में इस फैन को किनारे रख देते हैं, ये इनको दे देंगे। मान लीजिए कभी इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो इनके पास एक स्टॉक फैन अपने पास रहेगा, जिससे इनका काम नहीं रुकने पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कभी भी ख़राब हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले ही बताऊँ, ये फैन जो था इसका, इसमें दिक्कत आई कि इसका फैन जो था वो थोड़ा रुक रुक के चल रहा था। अब उसको RMA पे जमा किया, जब तक आएगा तब मिलेगा, अगले के पास ये अवेलेबल था ऑप्शन, उसने लगा लिया, काम चल रहा। अगर ये नहीं होता और इसको मार्केट में ये सोचते कि चलो 2-4-500 रुपए बेच दे तो बिक तो जाता, उसमें नहीं दिक्कत थी, बिक जाता, लेकिन इनको कभी भी जब ज़रूरत पड़ती तो उस चीज़ का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, फिर से एक नया खरीदने के अलावा जल्दी ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि कोई भी सर्विस कॉल कभी भी होने जा रही, चाहे वो रैम की हो, चाहे हार्ड ड्राइव की हो, चाहे मदरबोर्ड की हो, 7 दिन मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, कोई कुछ भी बोले। या तो अपनी जेब से भर देगा, तब तो पॉसिबल है कि आपको हैंड टू हैंड मिल जाए, नहीं तो मैक्सिमम टाइम पे आप 7 से 10 दिन का सर्विस टाइम पीरियड हमेशा रख के चलिए। अब इस पे आ जाते हैं कि अपनी रैम कौन सी प्लेस करनी है। T4 डेल्टा की वाइट RGB रैम है, 6000 MHz पर है, इसको इसमें यूज करेंगे और इसकी XMP प्रोफाइल ओके कर देंगे, जिससे इनेबल कर देंगे, जिसके कारण ये 6000 MHz को पूरा यूज कर सके। बाय डिफॉल्ट आपको बता दूं, 6000 MHz की अगर हम रैम यहाँ पे लगा भी देते हैं, आप कभी भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे जब तक कि XMP प्रोफाइल डिसेबल रहती है। बाय डिफॉल्ट वो कितने पे चलेगा, 4800 MHz पर। हमेशा के लिए जान लीजिए XMP प्रोफाइल इनेबल करनी है, तभी इसकी रियल फ्रिक्वेंसी को ये बोर्ड एक्सेप्ट करता है। ये अपनी T4 डेल्टा रैम है, वाइट सीरीज है, चूंकि काफ़ी हद तक कॉम्बिनेशन अपना वाइट और ब्लैक का बन रहा है, इस वजह से इस रैम को यूज़ किया जाएगा इस बिल्ड में। 16 GB की सिंगल है, इनका मदरबोर्ड ऑलरेडी 32x4 के लिए रेडी है। बजट भी एक चीज़ होती है, करने को तो बहुत कुछ हर एक आदमी चाहता है कि वो खूब अच्छा सिस्टम बनाए, एक बजट होता है जो सबका अपना अपना मैटर करता है, इसलिए हमेशा अपने बजट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट का सेलेक्शन करना चाहिए, और इन्होंने जो प्रोडक्ट का अपना सिलेक्शन किया है बहुत अच्छा किया है, उसमें कोई भी, ये देखिए पूरी टक्क से प्रॉपर बैठ गई, इसका मतलब ये प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ है। अब NVMe पे आ जाते हैं। NVMe मेरा एक सर्विस सेक्शन भी है बैक साइड में, वहाँ पे रखी थी, तो हम लोग यहाँ चूहे जो हैं वो गणपति जी की सवारी जो है खूब टहला करती हैं, तो उन्होंने आके यहाँ पे देखे दांत से इसको चबा लिया है गत्ते को, भूख लगी थी लग रहा, कुछ नहीं मिला तो इसी पे काम चला लिया, कुछ छोड़ दिया करो पीछे भी, बेचारों का कुछ तो काम चले। ये WD की ब्लू NVMe है, Gen 4 सीरीज है, इसको हम लोग इस बिल्ट में यूज करने जा रहे हैं, और सबसे पहले जब भी यूज करिए तो प्राइमरी सेक्शन को यूज करिए, उसके बाद सेकेंडरी, फिर थर्ड, जो कैटेगरी दी गई उसी तरीके से इसको यूज करिए तो सबसे अच्छा रहता है। प्राइमरी सेक्शन मतलब जेन 4 के लिए पूरी तरीके से रेडी है, फिर दूसरा स्लॉट इन्होंने जेन 4 के लिए दिया, जेन 3 के लिए दिया है वो अलग बात है, लेकिन अगर जेन 4 यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहला स्लॉट ही यूज़ करें। ये अपनी सारी एसेसरीज इस फैन की, स्टॉक फैन की, जो इसमें प्लेस होगी। और अब आ जाते हैं अपना लास्ट जो प्रोडक्ट है, वो है SMPS 650 वाट की कूलर मास्टर की ब्रॉन्ज कैटेगरी की SMPS है।
अच्छी चीज क्या रहती है, इसके फैन बहुत अच्छे हैं। जितनी भी बड़ी सप्लाइयाँ हैं, जितनी बड़ी कंपनी है, वो अपने फैन को इस तरीके से बना रही है कि आप जब तक उस पर लोड नहीं डालते तब तक उनके फैन का मूवमेंट नहीं होता। तो बहुत बार दिमाग में लगता है मेरी सप्लाई खराब तो नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। आप लोड अगर नहीं दे रहे हो तो इनके SMPS बिल्कुल भी नीचे के फैन जो है वो मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने मांगी गोल्ड कैटेगरी की थी, लेकिन हमने ब्रोंज ही रखी है, क्योंकि अभी भी जो ये अपना ग्राफिक कार्ड यूज करने जाएंगे, जो इनकी रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम 1650 से कंप्लीट हो जाती है। बहुत ज़्यादा 3050 चले जाए, 3060 चले जाए, 4060 चले जाए, 4060 Ti चले जाए, वहाँ तक सभी ग्राफिक कार्ड को ये कैरी करने में कैपेबल है, पूरा लोड लेने में सक्षम है। ब्रोंज कैटेगरी से ऊपर गोल्ड की इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इसका पावर केबल दे दिया है, जो इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से अब रेडी होने लग गया है। पहले लोग क्या करते थे, 15 एम्पेयर का सॉकेट देते थे। 15 एम्पेयर का सॉकेट जो था सबके लिए बेस्ट नहीं होता था, क्योंकि अभी भी अपने यहाँ गाँव में या नॉर्मली सबके घरों में जो सप्लाई पाई जाती है, जो सॉकेट्स पाए जाते हैं, वो 5 एम्पेयर के ही पाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना कि वो इंडियन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सूट होने लग जाए, वो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। तो ये कूलर मास्टर की ये जो पावर केबल है वो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई गई है, और ये फुली मॉडुलर नहीं है, तो इसके अंदर सभी केबल्स जो रहेंगी वो इनबिल्ट रहेंगी। अब इसके अंदर ये पूरी केबल्स 24 पिन और 8-8 पिन की, और साथ में ग्राफिक कार्ड के लिए सारे ऑप्शन एक बंच में है। इनको अभी प्लेस करेंगे तब आपको दिखाते हैं। साथ में 4 कनेक्टर्स भी दिए जाते हैं, पेच हैं, जो कि बैक साइड में कैबिनेट में लगाने के लिए, इनको भी रख देते हैं। और एक हम लोगों ने जो इस बार अपने बिल्ट में यूज़ की है वो कैबिनेट है सर्किल की इन्फरनोवा, ये फर्स्ट टाइम अपने यहाँ यूज़ होगी, इसके पहले हम लोगों ने इसे यूज नहीं किया था। ये देख लेते हैं क्या है। काउंटर मेरा छोटा सा है, स्टूडियो है नहीं, तो जितने में जो चीज़ एडजस्ट हो रही वैसे ही आपको मैं दिखा रहा हूँ। दिख तो काफ़ी अच्छी रही है, 360 का भी लिक्विड कूलर प्लेस हो जाएगा जब ये कभी लगाना चाहें, अभी तो इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर पे ये काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं करता, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेता। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनको अभी लिक्विड कूलर से दूर कर रही हैं, लेकिन अगर इन्होंने वर्क अपना बढ़ाया और वर्किंग भी उसके साथ में चेंज की, तब इनको ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की। अब ये आपके सामने इन्फरनोवा पूरी तरीके से अवेलेबल है, इसमें 2 SATA बैक साइड में यूज़ हो सकती हैं, 2 SATA SSDs का अलग प्लेस दिया है, 2 हार्ड ड्राइव का नीचे प्लेस दिया है। लिक्विड कूलर पे यहाँ पे देख सकते हैं 360 लिक्विड कूलर भी आराम से प्लेस हो सकता है। ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है डस्टिंग से बचने के लिए। ऊपर ही इन्होंने USB 3.0 के 2 ऑप्शन दे दिए हैं, LED चेंज करने का 1 ऑप्शन दिया हुआ है, माइक और हेडफोन के लिए भी ऑप्शन दे दिया है, रीसेट का भी ऑप्शन दिया है, पावर का भी ऑप्शन दिया है। जितने एक कैबिनेट के अंदर जो जो ऑप्शन होने चाहिए वो सब कुछ है। 3 फैन फ्रंट पे दिए हुए हैं, 1 बैक साइड में, 4 फैन ऑलरेडी दिए हुए हैं। 6800 की रेंज में आने वाली है जो कैबिनेट है ना, ये काफ़ी हद तक कंप्लीट है, वेट भी है, साथ में श्राउड्स भी दे दिया है प्रॉपर वे में SMPS को कवर करने के लिए। जितनी चीज़ें एक बड़े कैबिनेट में चाहिए होती है, बड़े से बड़ा ग्राफिक कार्ड, वो सब कुछ अवेलेबल है। अब फटाफट इसको दूसरा पोर्शन जो है समीर को दे देते हैं, बिल्ड करें जिससे ये जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल सकें, अपनी गाड़ी भी इनको पकड़नी है। तो बस बने रहिएगा, अभी ये कटिंग और इसका प्लेसमेंट पूरा समीर करता है, तो फिर उसके बाद लास्ट आउट में हम लोग फिर से मिलते हैं। गाइज रिटर्निंग हो चुकी है जिस बिल्ड की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। समीर ने पूरा बिल्ड रेडी कर दिया है, और जो 4 फैन कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट मिले थे उसके साथ में जो अपना स्टॉक फैन था हाइपर 212, ये और रैम और ये चारों फैन आपको एक साथ सिंक्रोनाइज दिख रहे हैं। MSI का जो सॉफ्टवेयर है वो इसमें डालने के बाद उससे पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है,
जिस भी थीम पे चाहें ये अपना शिफ्ट कर सकते हैं, कलर रेड ग्रीन या जितने भी मल्टीपल्स कलर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो कलर्स को क्लोज भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। कैबिनेट पे स्पेस तो आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा, जितनी भी फुल साइज की कैबिनेटें आती हैं नियर अबाउट उनके बराबर ही स्पेस है। TD500 मैश से ज़्यादा स्पेस कहा जाएगा। कोर्सियर की 3000D देखिए तो उसके बराबर का करीब करीब स्पेस है। अपने प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक चीज़ों को एकदम ओके सिलेक्शन रहा है, कोई भी कमी नहीं दिखी है। और पूरे बिल्ड की कॉस्ट जो है, सबसे लास्ट में मुद्दा ये आ जाता है कि पूरे बिल्ड की कॉस्ट क्या बैठी है। ग्राफिक कार्ड नहीं यूज़ हुआ है, उसके बावजूद ये कीबोर्ड माउस जेब्रोनिक्स का ट्रांसफार्मर और ये सिस्टम, पूरा जो बिल्ड कॉस्ट बैठी है 66,800 रुपये, 66,800 रुपीज़ में पूरा बिल्ट रेडी हुआ है। जितनी भी लोगों की रिक्वायरमेंट्स रहती है, करीब करीब वर्क के अकॉर्डिंग डिसाइड करना ज़रूरी होता है, और इन्होंने अपने वर्क के अकॉर्डिंग सारी चीज़ डिसाइड की है। लिक्विड कूलर की अभी ज़रूरत नहीं थी तो नहीं डाला गया, जिस चीज़ में ज़रूरत थी कि अभी ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए, जब ज़रूरत लगेगी तो उसके हिसाब से इंक्रीज़ कर लेंगे, कोई इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं, ठीक है। रैम अभी 16GB रखी गई, एक्सपेंड करने का ऑप्शन, अभी 3 और स्लॉट बचे हुए हैं, वहाँ पर भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। NVMe 1 यूज़ हुई है, 2 स्लॉट अभी बचे हुए हैं, वहाँ पे भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। 4 SATA पोर्ट्स हैं, हार्ड ड्राइव ये इंटरनल यूज़ कर सकते हैं 4, या 4 SATA SSD यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो बाद में सोचना है। 650 वाट कूलर मास्टर की सप्लाई है, जो इनके ग्राफिक कार्ड को मैक्सिमम एक्सपेंड करने की कैपेबिलिटी देती है, जितना इनकी रिक्वायरमेंट है। तो जितने भी रिक्वायरमेंट और बजट को ध्यान में रख के जो बिल्ट रेडी करने की तैयारी की गई थी वो पूरी तरीके से एकदम प्रॉपर हुआ है। और इसी के साथ में इस बिल्ट को हम लोग क्लोज करते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी इनको यहाँ से विदा कर सके। आज के लिए बस इतना ही, जो बिल्ट अपना रेडी हुआ किस तरीके का लगा बिल्कुल बताइएगा, और सब्सक्राइब करते रहिएगा, रुकिएगा नहीं, कमेंट बॉक्स खाली है, जितने भी क्वेश्चन आवर हैं वो स्टार्ट रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, जवाब जरूर मिलेगा। Thank you.